नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं LYF लॉन्चिंग योर फ्यूचर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में, जो हमने पिछले आपको वीडियो में बताया था कि आप जो देख रहे हैं कि जो IMT सर्विस है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र सर्विस, तो उसके माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति को पैसा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको ले चलते हैं अपने एयरटेल पेमेंट बैंक में। ये फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आ चुके हैं और आपको यहाँ पर जाके देखना है, सबसे नीचे ATM विथड्रॉल में आपको जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ कार्डलेस विथड्रॉल, सेंड मनी कार्डलेस विथड्रॉल और ट्रांजैक्शंस हिस्ट्री एंड जो नेक्स्ट है वो है मैनेज बेनिफिशरीज। तो पहले हमने आपको वीडियो में बताया था सेल्फ कार्डलेस विथड्रॉल के बारे में, लेकिन फ्रेंड्स अब हम आपको बताएंगे दूसरे व्यक्ति को हम कैसे रुपया सेंड कर सकते हैं और वो कैसे ATM से सीधे जाके निकाल सकता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप जो दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं सेंड मनी कार्डलेस विथड्रॉल, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से ओपन होगा। ये फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड करना होगा किसी का भी नाम या जिसको आप सेंड करना चाहते हैं मनी, पहले आप उसको ऐड कर लें बेनिफिशियरी। तो यहाँ पर देखिए मैनेज बेनिफिशियरी में आपको जाना है। अब फ्रेंड्स, आप जिसका नाम ऐड करना चाहते हैं आपको क्या क्या ज़रूरत है उसकी, यहाँ पर ऐड बेनिफिशियरी में आप ऐड करिए, क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी नेम, जो नेम है आप उसको यहाँ पर डाल देंगे या फिर यदि आपके मोबाइल में उसका नंबर फीड है मोबाइल नंबर, तो आप सीधे मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आप उसका नाम लिखिए। ये हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि वो कोई भी नंबर हो, चाहे जिस कंपनी का जरूर नहीं एयरटेल का, आप उसको रुपया ट्रांसफ़र कर सकते हो और आप यहाँ पर उसका पता डाल दें। इस तरह पता आप डाल सकते हैं, यहाँ पर आपको उसका पिन कोड डाल देना है। तो ये हमने यहाँ पर पिन कोड भी डाल दिया है और आपको कर देना है यहाँ पर कन्फर्म। तो ये जैसे हम कन्फर्म किया, हमें यहाँ पर अपना एम पिन डालना होगा, तो चलिए हम डाल देते हैं अपना एम पिन। ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एम पिन डाल दिया है और इस तरह से देखिए बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली, यू कैन ट्रांसफ़र अमाउंट टू सैम आफ्टर 1 आवर, यानी कि आप इस नंबर पर 1 घंटे के बाद आप आसानी से रुपया भेज पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इंतज़ार कर लेंगे 1 घंटे और 1 घंटे के बाद इस व्यक्ति को हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये व्यक्ति यदि रुपया निकालना चाहता है तो कैसे निकालेगा, आप उसको फ़ोन करके बोल सकते हैं कि हमने आपके मोबाइल नंबर पर इतने रुपये ट्रांसफ़र कर दिए हैं और आप किसी ATM में जाइए जहाँ पर IMT सर्विस इनेबल्ड ATM हो, जिसमें ये सर्विस हो, तो वहाँ पर आपको जाना है। उनसे बोलेंगे कि आप अपना अकाउंट नंबर डालना और हम आपको पासवर्ड बता देंगे जो हमारे मोबाइल नंबर में आएगा, तो हमसे पासवर्ड पूछ सकता है या हम उसको पासवर्ड भी ट्रांसफ़र कर देंगे और हो सकता है उसके मोबाइल में जब वो वहाँ पर जाएगा तो OTP आएगा और जैसे ही डालेगा तो वो आपको सीधे उसके हाथ में रुपए आपको ATM से उसको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है, आप किसी भी व्यक्ति को आसानी से रुपया भेज सकते हो और ना उसको कार्ड की ज़रूरत है ना ही कुछ ATM की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी सुविधा है और बहुत ही अच्छा रहेगा यदि इस तरह की सुविधा जैसे लॉन्च कर दी है, क्योंकि पहले तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। हालांकि आपने देखा कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसने अपना फिजिकल डेबिट कार्ड इशू लॉन्च कर दिया था, लेकिन एयरटेल ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो एयरटेल जो पेमेंट बैंक है उसको हम लोग भी कम यूज करते थे, आप देखते हैं कि फिजिकल डेबिट कार्ड, वो वर्चुअल डेबिट कार्ड ही हमें मिल पाता था और बार बार उसको खोले, कौन नंबर उसका ऐड करे, तो ये सब प्रॉब्लम्स रहती थी। लेकिन अब ये सुविधा काफ़ी एडवांस हो गई है और बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बारे में आप हमें ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करके और बता रहे हैं, आप ATM विथड्रॉल में गए और सेंड मनी और यहाँ पर आपने जो बेनिफिशरी ऐड कर लिया है उसको आप को रुपया सेंड करना है। ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर देखिए सेंड मनी, तो यहाँ पर ये हमने क्लिक कर दिया है और यहाँ इसको हम 100 रुपये भेजते हैं। तो ये देखिए हमने 100 रुपये यहाँ पर इसको सेंड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कन्वीनियंस फ़ी, तो इस बात का फ्रेंड्स ख्याल रखिए कि जो फीस है वो 25 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो ये तो काफ़ी लफड़ीदार काम लगा है जो कि अच्छा नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि मैं आपको इसको प्रमोट नहीं करूँगा कि आप इसको रुपया इस माध्यम से भेजें, आप सीधे UPI के माध्यम से रुपया भेज सकते हैं जो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, ये एक वीडियो था, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और यदि अभी तक आपने हमारे
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज हम लगातार लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।